प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर भी बात करता है। दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है जो हमारे नौजवान वर्ग है जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उसको लेके है। क्या है वो? जॉबलेस है, किसी के पास घर नहीं है, होमलेस हैं, मैरिजलेस हैं, शादी नहीं हुई, शादी का वेट करते हैं, ठाई 30-35 साल के हो गए, वेलनेसलेस जो लिखा मैंने, स्वास्थ्य नहीं है, कम्फर्टलेस हैं, सुख सुविधा नहीं है। सुख सुविधा मैंने सबसे आखिर में लिखी है, क्योंकि जिसके पास ये चीज़ें आ जाए तो वो समझता है कि मेरे पास, मैं कम्फर्ट जोन में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, कोई ना कुछ और इंतजाम हो जाएगा। जो आदमी धरती पर आया उसको खाने के लिए मिलना ही मिलना है। गुरबाणी में लिखा हुआ है, सैल पत्थर में जंत पाए तिनका रिजक आगे कर धरिया। मतलब पत्थरों में जो कीड़े हैं उनको भी खाना मिलता है। आप तो इंसान हो, धरती पर रहने वाले इंसान हो, जब पत्थरों में खाना पहुंच रहा है तो आपको भी मिलने वाला है। सो आप यदि घर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी के पास घर नहीं है। आपके पास बड़ा घर नहीं है, छोटा बन जाएगा, छोटा नहीं बनेगा और उससे नीचे बन जाएगा, किराए पर चले जाओगे, किराए पर रहना कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैरिजलेस, आपकी यदि शादी नहीं हुई, लेट हो गए, जॉब ना मिलने की वजह से कुछ और हो गया, ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, इनसे भी बचना है। वेलनेसलेस, आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब, मतलब अरुणिमा सिन्हा की आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसका पाँव कट गया और उसने फिर माउंट एवरेस्ट फतेह किया। शुभ कौर घुमन, हमारे पंजाब की शुभ रीत घुमन, टांग कटी हुई है, वन लेग डांसर है। मेजर डीपी सिंह, एक टांग कटी हुई है, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया है, कम्फर्टलेस। तो मैं सबसे अखीर में लिखा है कि आप सुख सुविधा, जिसको हम समझते हैं कि हमारी यही ज़िंदगी है, यही स्वर्ग है, वो नहीं मिलता। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये सब कुछ आने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का। आपने एक शब्द है जो अपनी जिंदगी में से लेस वाला, वो निकाल देना है, होपलेस। होपलेस जो शब्द आपकी जिंदगी में है उसको निकाल दो, डोंट बी होपलेस। क्योंकि ये कहा जाता है, इंग्लिश की कहावत है, होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक हमारा स्वास्थ्य चल रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तब तक हमें उम्मीद बनी रहती है। अपनी उम्मीदों का गला आप ही नहीं घोट देना, अपने उम्मीद जो बनी हुई है उस उम्मीद पर कायम रहना है। जिसने आदमी ने बड़े बड़े काम किए हैं वो अपनी उम्मीद के साथ ही किए हैं। चैलेंज उनको बहुत बड़े बड़े आए होंगे, ये नहीं है कि चैलेंज नहीं आए होंगे, चैलेंज उनको बहुत बड़े बड़े आए होंगे, लेकिन वो चैलेंजेस को लेके लोगों की बातें सुन के किसी अलग खाने में रख के, दिमाग के उसमें रख के उस उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया होगा, अपनी उम्मीद को बनाया होगा। जब उनकी उम्मीद बनी रही तो वो अपना मिशन जो फतेह करने में कामयाब होंगे। किसी ने खोज की है, किसी ने कुछ और काम किया, बड़े काम किए, वो सिर्फ उम्मीद के साथ ही कर पाए। यदि उनके पास उम्मीद ना होती तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। दोस्तों, बहुत छोटी वीडियो है और जो इसका टॉपिक है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैं सोचा कि ये आपके साथ क्यों ना बनाऊँगा, सुबह ही बैठ उठ के लिखा था मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर कर देना, इसके ऊपर चर्चा कर लेना, आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन दबा देना, इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जब तक सीखते रहेंगे हम, पढ़ते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मोहाली बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। थैंक यू।